उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद है। ऐसा ही एक मामला घिरौर थाना क्षेत्र का सामने आया। कुछ दबंगों ने एक ही परिवार के चार लोगों को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना की जानकारी के अनुसार घिरौर थाना क्षेत्र के नगला अंती में गांव के ही दबंग लोगों ने मामूली कहासुनी पर एक परिवार के साथ मारपीट की और बुरी तरह घायल कर दिया। दो दिन पहले मोबाइल चोरी होने को लेकर सर्वेश कुमार, ब्रिजेश कुमार पुत्र जयवीर का झगड़ा बिट्टू शेषवीर राजवीर से हुआ था। पीड़ित परिवार थाने आया था तो पुलिस ने कहा कि दोनों पार्टियों को बैठाकर तुम्हारा राजीनामा करा देंगे, आगे ऐसी कोई बात नहीं होगी। जब बुधवार को पीड़ित सर्वेश कुमार, विमलेश कुमार, ब्रिजेश कुमार परिवार थाने के लिए तैयार हो रहा था, पीड़ित सर्वेश की पत्नी सरिता देवी खेत पर करब काटने गई थी, तभी पहले से घात लगाए बैठे तथा शराब के नशे में दबंगों ने पीड़ित की बीवी पर हमला कर दिया। बचाने आए पीड़ित परिवार को भी मारा पीटा गया। कहाँ के रहने वाली हूँ? ये घटना हुई है जो कैसे हुई है? ये ऐसे भाई घटना जी गई थी करब काटना जी थे हम गए फोन ले रहा ना कर रहे थे वो हम करब जे करब काटने गए सुबह आते चढ़े वाले सुबह ने एकदम जाए के इन्हें दावे लोग करब काट तो भाई जे अकेले हैं नहीं मतलब जे अकेले हैं तीन सौ करब काट तो भाई दावे लोग जाए इन्हें की छिड़े झपटी करी सो एकदम जे चिल्लाने से डो डिगो करो से सड़क वाले ना ने जान नहीं कि जब कोई चिल्ला है रहो बिलो एक लौड़ा पठाओ बच्चा देगा सुन ले घरे तो बच्चे की जाइए बिना कि भूख कोई दाव नहीं है तो हमने ए पठाओ नहीं तो मिला भाई साहब कानो ऐसे से सिंधु पीछे लाती घर में करी तब जे गए से नीचे पड़ी है फिर मारे में क्या इससे पहले भी आपसे कोई झगड़ा हुआ है? कोई मतलब नहीं हम तो छोटे कोई पुरानी रंजिश कोई मतलब नहीं कोई रंजिश नहीं बदमाश है वे चढ़े गए बदमाश है। कहाँ रहने वाली हो? ये घटना हुई कैसे हुई आपकी? मेरी भाभी भाभी गई थी आ रहा हूँ खराब काटा पहले से उधर मेरी भाभी को हमने आते घर पर मेरे भैया हुए थे फिर मेरे भैया वहाँ पर पहुँचे मेरे भैया के जोर मारते ही हमें मारो फिर सब लोग तैयार। क्या नाम है आपके भाई का? सर्वेश। ये कौन लोग हैं? यादव।